दोस्तों, stitchingall.com में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ये कॉलर डिज़ाइन बनाया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे टॉप ओपन बाजू बनाएंगे। इसके अंदर आप नीचे डोरी भी लगाएंगे और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम प्लीटेड स्कर्ट को इस ड्रेस से जोड़ेंगे। तो हमने कपड़ा ले लिया, ऊपर वाला किनारे का हिस्सा है। जितनी लंबी आप बाजू चाहते हैं उतना उस हिसाब से कपड़ा लेंगे। ऊपर से तकरीबन 1 इंच तक निशान लगाएंगे। ये 1 इंच ऊपर मोड़ा जाएगा। मोरी की तरफ हमें तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा चाहिए मोड़ने के लिए। यहाँ पर आप नाड़े की केसिंग भी बना सकते हैं या फोल्ड कर सकते हैं। और फिर मोरी हम 5 से 6 इंच, जितनी आपकी बाजू की मोरी है उसका आधा बाजू की लंबाई। यदि आप 10 इंच ले रहे हैं लंबाई, जो कि मैंने 10 इंच ली है, तो आधा इंच फालतू लेंगे सिलाई में जाने के लिए। जितना आर्म होल मुड्ढा आपने अपनी ड्रेस के लिए लिया था उतना ही हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, 7.5 इंच। चेस्ट का 12वां हिस्सा, जो कि तकरीबन 2.5 से 3 इंच होता है, 3 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया। 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए निशान लगाया टेढ़ा। बीच का निशान लगाते हुए आधा इंच बाहर लेते हुए कर्वी शेप दे दी, और अंदर से भी आधे में कर्व और आधे से बाहर लेते हुए निशान लगा लिया। अब बाहर की लाइन को मोरी से मिला लिया। जितना आपने ड्रेस के बाहर की तरफ निशान लिया है, यानी 1.5 इंच हमने लिया है, तो 1.5 इंच ही इसके भी साइड में हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा मोरी का हिस्सा है, जहाँ पर आप रफल भी जोड़ सकते हैं, यानी झालर भी जोड़ सकते हैं। हमें 2 बाजुएं चाहिए होगी, तो इसके लिए हमने पहले तो एक ही बाजू के लिए कपड़ा मोड़ा था, तो हम कपड़े को फोल्ड करते हुए बिछा लेंगे और निशान जो थे हमारे उसी के ऊपर कटिंग कर लेंगे। ट्रेसिंग व्हील लेते हुए हम जो सिलाई के निशान है उनके ऊपर एक बार प्रेस कर लेंगे, तो हमें सिलाई करते हुए सहूलियत रहेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि किस निशान तक हमें मोड़ना है और किस निशान पर हमें सिलाई लगानी है। अब हम मुड्ढे की भी गोलाइयाँ निकाल लेंगे। पहले बाहर का निशान जो है उसके ऊपर कटिंग करेंगे, क्योंकि अंदर का निशान तो हम बाद में भी काट सकते हैं। अब हमें, हमारे पास 4 पीस हैं, जिसमें से 2 पीस हमें रखने हैं बाहर के लिए और 2 पीस पर एक जैसा, जैसे मिरर इमेज होती है उस तरीके से हमें एक जैसा सा आगे वाले मुट्ठे को भी गहराई में काटना है। तो हमें 2 पीस बैक के लिए रखने हैं, यानी पीछे वाले पल्ले के लिए, और 2 पीस अगले पल्ले के लिए निकाल करके हम गहराई में काट देंगे। मेरे ये जो कपड़ा है, मुझे तो पता चल रहा है कि निशान नीचे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपके वाले में यदि नहीं दिखाई दे रहे हो तो निशान वाले हिस्से को आप ऊपर रखिए और उसके हिसाब से कटिंग कीजिए। अब ये हमारी दोनों बाजू कट गई है। ऊपर वाले हिस्से को हमें जो टॉप से ऊपर ओपन रखना है, वहां से हमें मोड़ करके सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम कोई लेस, झालर, बीड्स, बटन कुछ भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं। हमारे पास तकरीबन 4 इंच चौड़ा कपड़ा है, इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे। तकरीबन आप जितनी आपकी बाजू है उससे डबल कपड़ा लीजिए, मतलब जितनी बाजू की मोरी है या घेर है, तकरीबन 20 इंच तक कपड़ा, यानी आधा मीटर काफ़ी रहेगा। इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए। ये हमारी बाजू है, और बाजू के हमने जो 1 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ा था उसको, उस निशान पर छोटे छोटे कट लगा लिए। कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि यदि आप निशान नहीं भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा पाते, या कपड़े का प्रिंट ऐसा है कि निशान पता भी नहीं चल रहे हैं, तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी। आप इस कट यानी नोचिस के हिसाब से आराम से फोल्ड करते हुए, मोड़ते हुए सिलाई लगा सकते हैं। हम दोनों बाजुओं पर अलग अलग से इस तरीके से उल्टी तरफ मोड़ते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पीको भी कर सकते हैं।
लेकिन जब पीको करेंगे तो ऊपर 1 इंच तक कपड़ा नहीं छोड़ेंगे, चौथाई इंच कपड़ा बहुत रहेगा, इवन 1 पॉइंट तक का भी कपड़ा बहुत रहेगा। कपड़ा ज़्यादा मोटा है तो आप आधा इंच तक रख सकते हैं। इस तरीके से हमारी एक बाजू की बीच वाले हिस्से दोनों मोड़ करके तैयार हो गए। इसको हम प्रेस कर लेंगे और इसका जो साइड वाला हिस्सा है जो कि नीचे की तरफ रहता है बगल की तरफ, उसको हम सिलाई लगाते हुए बंद कर लेंगे। इस बाजू को हम खोलेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा, बीच में से जो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आना है। हमें नीचे की तरफ हम झालर लगा सकते हैं, अम्ब्रेला कट, फ्लेयर कट, किसी भी तरीके से झालर लगा सकते हैं 4-5 इंच या 6 इंच की, और या फिर हम 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेके इस तरीके से कोई रिबन भी ले सकते हैं आप कंट्रास्ट कलर में, उल्टी तरफ से रखते हुए सीधी तरफ ऐसे मोड़ करके हम इसको सिलाई लगा सकते हैं और फिर इसको आगे की तरफ पूरी जब सिलाई लग जाएगी तो ये आराम से मोरी, बाजू की जो मोरी है आपकी वहाँ पर आप रिबन की तरह, फ्लावर की तरह इसका फूल बना सकते हैं, इसको सिल सकते हैं या फिर इसको बांध सकते हैं। और बीच का हिस्सा चाहे तो खुला रखिए या फिर यहाँ पर आप कुछ बटन या बीट्स भी लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं नीचे से। एक और देखिए, तरीके बहुत सारे हैं डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन कई तरीके से बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हमने 1.5 इंच तक नीचे कपड़ा छोड़ा था तो हम उस 1.5 इंच को मोड़ते हुए इस तरीके से केसिंग बना लेंगे, इसको सिलाई लगाते हुए। सिलाई लगाने के बाद इसका जो बीच का हिस्सा है वो खाली है तो अब हमारे पास जो पट्टी थी उस पट्टी से हम एक नाड़ा बनाएंगे 1/4 इंच चौड़ा और फिर इसके अंदर डाल देंगे। हम चाहे तो इलास्टिक भी, जितनी हमारी मोरी है बाजू की उसे 1 इंच कम लेते हुए इसमें पतला इलास्टिक भी डाल सकते हैं, रिबन भी डाल सकते हैं सेटिन का, जैसे आपका डिज़ाइन बनाने का मन करे आप ऐसे डाल सकते हैं इसके अंदर उस कलर का, उस स्टाइल का धागा या डोरी या इलास्टिक। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें वो है कि हम इसके बीचों बीच इस पट्टी को लगाएंगे। उसके लिए हम इस पट्टी को मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए तैयार कर लेंगे और फिर इसके बीच में जहाँ भी आप चाहें, जितना ऊपर या नीचे आप चाहें, इसको आप सिल सकते हैं। बाजू की सीधी तरफ हम इंच टेप लेते हुए या स्केल लेते हुए जितना ऊपर हम लेना चाहें 3 इंच 4 इंच जितना जैसे आप चाहें वैसे आप निशान लगा लीजिए। निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके दिमाग को कम काम करना पड़ता है, आप एक ही बार निशान लगाते हैं आपका टाइम बचता है कि बार बार आपको अंदाजे नहीं लगाने पड़ते। चाहे तो आप पिन भी लगा सकते हैं लेकिन पिन लगाने से भी पहले यदि निशान लगा लें तो बेहतर रहता है, क्योंकि पिन यदि हिल भी गई या ऊपर नीचे हो गई या आपने हटाई तो टेढ़ी हो गई तो आपको फिर भी मालूम होता है कि आपका रिबन एग्जैक्टली लाइन में है या नहीं है। इस डोरी का भी बीच में बीचों बीच हम निशान लगा लेंगे, उससे ये दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाएगी।
तो इसको मोड़ते हुए हमें निशान लगाना है। मैं सिर्फ ऊपर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लगाइए। आप सिर्फ बीच में भी सिलाई लगा सकते हैं कि साइड से खोले रहने दीजिए, या फिर दोनों तरफ सिलाई लगा सकते हैं या बीचों बीच लगा सकते हैं। फिर बनने के बाद आप इसको ऊपर की तरफ से बो बना सकते हैं, बांध सकते हैं। डोरी के दोनों तरफ आप कुछ लटकन भी लगा सकते हैं, लटकन या बीज या मोती कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये बाजू तो हमारी तैयार है, अब इस बाजू को हमें जोड़ना है हमारे मुड्डे से यानी आर्म होल से। जो हमारी ड्रेस है उसको हम साइड से सिल लेंगे, सिल करके बंद कर लेंगे साइड से। ऊपर से स्टार्ट करते हुए यानी मुड्डे की तरफ से स्टार्ट करते हुए हम नीचे मोरी तक सिलाई लगा लेंगे। ये सीधी तरफ से आपका मुड्डा तैयार हो गया। उल्टी तरफ से ही लेकिन हमें बाजू लगानी है, बाजू की गहराई अगली गहराई आगे की तरफ। ये बाजू हमारी सीधी तरफ ऊपर रहेगी, गहराई आगे की तरफ रहेगी। बाजू को हम अंदर लेकर के जाएंगे, ड्रेस के मुड्डे की तरफ से निकालेंगे और फिर ऊपर की तरफ से जो खुला हिस्सा है वहाँ से शुरुआत करते हुए बाजू को मुड्ढे पर बिठा लेंगे। बाजू आपकी बराबर बराबर आनी चाहिए, कोशिश कीजिए जोड़ पर जोड़ आए। और ऊपर की का जो हिस्सा है हमारा ओपन टॉप ओपन जो बाजू का, वो ऊपर एक दूसरे को मिलता हुआ रहे या फिर ओवरलैप कर जाए। तो ये हमारी बाजू तैयार है। ये बाजू बहुत खूबसूरत है और आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है। आप किसी भी तरीके की ड्रेस पर इस तरीके के डिज़ाइन को, इस तरीके के ड्रेस को, बाजू को बना सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से इसी ड्रेस पर हम प्लीटेड स्कर्ट जोड़ेंगे, तो देखते रहिएगा। मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। बाय बाय।